क्या मॉडल आर्मी की 2013 मॉडल रजिस्टर्ड व्हीकल है, जिप्सी है, इसकी पासिंग है 2037 तक। ठीक है, ये स्टार्ट गाड़ी है, मतलब यहाँ से आप रनिंग कंडीशन में चला के लेके जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाएगी। बाकी थोड़ा बहुत काम तो होता ही है जिप्सी में जब आप लेते हो। तो ये कौन सा मॉडल की है? 2008 मॉडल है। ठीक है, इसकी आस्किंग हमारी है, जैसे हम रजिस्टर ऑलरेडी करवाई हुई है ये गाड़ी। ठीक है, ये रजिस्टर जो भी हमसे परचेज करेगा हम रजिस्ट्रेशन उनको साथ देंगे, साथ में उनसे आधार कार्ड लेंगे और उनको एनओसी सर्टिफिकेट देंगे इशू करेंगे। ये किस मॉडल की रहेगी? ये है जी 2006 मॉडल। 2006? हाँ जी। तो लाइफ तो फिर इसकी भी बची हुई है? इसकी तो 2037, इसकी भी 2037 तक है जी। अच्छा, सबकी सेंथ प्रॉपर। ओके, जीप ट्रॉली। जीप ट्रॉली है बेसिकली, जीप जिप्सी के टो करने के लिए बहुत बढ़िया है। सो हेलो गाइस, किदा फिर वधिया सारे, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए स्पेशली आया हूँ पठानकोट। यहाँ पे किस लिए आया हूँ? आपको मैं दिखाने वाला हूँ आज यहाँ पे आर्मी की ऑक्शन जिप्सीज जो आती हैं और MM550s या 540s जो भी आती हैं उनके बारे में अच्छे से बताऊँगा, क्या कुछ यहाँ पे आपको प्राइजिंग वगैरह मिलती है, क्या कुछ मॉडल्स वगैरह रहने वाले हैं, एंड यहाँ से अगर आप लेते हैं तो क्या कुछ इसकी कॉस्टिंग वगैरह पड़ेगी, एंड क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रहेंगे, A to Z हर एक चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ सुरेश एसोसिएट्स में, एंड ये आप गोदाम पीछे पूरा चेक कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पे जो है आपको आर्मी की जितनी भी व्हीकल्स के रिलेटेड आइटम्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बाकी अभी फ़िलहाल मैं आपको मिलाता हूँ सबसे पहले यहाँ के जो ओनर हैं, आपको शिवम कोहली भैया मिल जाएंगे। सो प्लीज़, तो हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये फ़िलहाल आज हमें पूरा यहाँ पे स्टॉक अपना चेक करवाएंगे जो जो इनके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। पीछे आप फिलहाल जिप्सी यहाँ पे चेक कर ही सकते हो। बाकी सर, और किस किस चीज़ों में आप डील करते हो ये एक बार बता दीजिए। आर्मी की जी कोई भी जो आपको रोड पे दिखती है, कोई भी ट्रक हो गया, कुछ भी हो गया, व्हीकल कोई भी दिखती है, सारी आती है हमारे पास। सारी बड़े से लेके छोटे से छोटी गाड़ी तक। ठीक है, तो मतलब आर्मी के अलावा भी है या सिर्फ आर्मी ही है? नहीं, हम सिर्फ आर्मी का ही करते हैं। सिर्फ आर्मी का। ओके, तो अगेन गाइस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि जम्मू में जैसे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड रहती है लो मॉडल्स की भी। तो यहाँ पे हम आपको पूरा प्रॉपर बताएंगे कि क्या कुछ सिस्टम रहता है एंड किस हिसाब से आपको गाड़ी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यही जिप्सी के साथ जो कि यहाँ पे पीछे लगी हुई है। तो सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या मॉडल है? आर्मी की 2013 मॉडल रजिस्टर्ड व्हीकल है, जिप्सी है, इसकी पासिंग है 2037 तक। ठीक है, ये स्टार्ट गाड़ी है, मतलब यहाँ से आप रनिंग कंडीशन में चला के लेके जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मेन है कि आपको इंटीरियर और कलर वगैरह करवाना पड़ता है, बाकी जो मैकेनिकल है वो सब ओके है, वो हमारी गारंटी रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, हाँ जी, बाकी बढ़िया गाड़ी है, इस तरह की और भी काफी गाड़ियाँ आती रहती है, फिलहाल मेरे पास बढ़िया कंडीशन में ये वाली गाड़ी है। तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स का क्या प्रोसीजर वगैरह रहता है? डॉक्यूमेंट जी हम साथ में ही देते हैं, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, कई कस्टमर होते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है कि हम रजिस्टर नहीं करवा पा रहे, हम कुछ नहीं करवा पा रहे, हमारे आरटीओ में ये है वो है, लटरम शटरम, उस वजह से हम रजिस्टर ऑलरेडी करवाई हुई है ये गाड़ी। ठीक है, ये रजिस्टर जो भी हमसे परचेज करेगा हम रजिस्ट्रेशन उनको साथ देंगे, साथ में उनसे आधार कार्ड लेंगे और उनको एनओसी सर्टिफिकेट देंगे इशू करेंगे। तो उससे मतलब कि रोड लीगल काफी हद तक बन जाएगी, बाकी फिर नंबर लगा लेगा जिस टाइम ये रजिस्ट्रेशन होगी उस टाइम ये रोड लीगल होगी। ठीक है, आप इस पे मतलब कोई एलिगेशन या कोई क्वेश्चन ही कर सकता कि हाँ जी ये तो आर्मी की गाड़ी है आप कैसे चला रहे हो। ओके, वो कोई बात ही नहीं है, वो बिल्कुल क्लैरिटी रहती है उसमें कि हाँ हम आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ में दे रहे हैं। ठीक है, एंड सपोज जैसे कोई परचेज कर लेता है तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह के कितना टाइम लगता है इन चीज़ों में? ये तो हम साथ में देंगे जी। अच्छा, ये उसी समय वाली बात है? उसी समय वाली बात होती है, ये आपने जैसे परचेज की या कोई भी भाई आता हमारा वो परचेज करता है उसको हम गाड़ी के साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ में देंगे। तो गाइज ये अगेन बहुत अच्छी बात है यार, कोई भी आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स में लैग नहीं होगा, उसी समय आ लेके जाओ, बाकी आगे फिर अपना काम करवाओ। तो अगेन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, बाकी इंजन वगैरह भी मैं आप तो गाइज ये फिलहाल आप यहाँ पे जो इंजन की कंडीशन यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगेन काफ़ी अच्छा इंजन है एंड यहाँ पे प्रॉपर आप चेक कर सकते हो। जिप्सी का इंजन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ है और आर्मी में तो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होती रहती है, तो इसकी वजह से इंजन की लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है एंड ये आप पूरा अच्छे से यहाँ पे देख ही सकते हो। बाकी जो जानते हैं उनको तो पता ही है इसके बारे में कि कैसा रहता है। तो ये है, बाकी एक बार मैं आपको यहाँ पे टायर्स भी चेक करवा दूँ तो यहाँ देख लो, और इंटीरियर अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो ये कुछ आपको यहाँ पे इंटीरियर मिलता है। इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बस थोड़ा सा आप साफ़ करोगे तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। एंड ओरिजिनल जिप्सी की सीट्स वगैरह सब इसमें, 4x4 गियर प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। एंड ये कुछ है ऑल इन ऑल इसका सिस्टम, एंड पीछे की सीट्स वगैरह प्रॉपर यहाँ पे डंडियाँ प्रॉपर मिल जाएंगी आपको। तो गाड़ी बिल्कुल एकदम बढ़िया है, एंड पीछे की ओर टो हुक वगैरह सब यहाँ पे लगा हुआ है।
एंड ये वाली जिप्सी जो है ये फिलहाल पूरी रनिंग में है, तो बिल्कुल बढ़िया चल रही है और आप इसे मस्त आके लेके जा सकते हो। कुछ अच्छे से एक बार पूरा चेक करवा दूंगा, इंटीरियर्स कैसे हैं वो आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में 2013 मॉडल की। एंड आस्किंग क्या कहते हो इसकी? आस्किंग हमारी रहती है ज्यादातर 2000 जैसे हायर मॉडल्स होते हैं, इनकी होती है 320,000 तक की स्टार्ट होती है, ये विद रजिस्ट्रेशन एंड NOC, मतलब कोई आएगा उनको रजिस्ट्रेशन का कुछ एक्स्ट्रा या NOC का कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, वो इंक्लूडिंग ही होते हैं प्राइसिंग। ठीक है, तो अगेन काफी ज्यादा बेहतरीन प्राइस है, 2013 मॉडल विद लाइफ, कुछ नहीं करवाना है लाइफ के रिगार्डिंग, सिर्फ नंबर लगाओ और गाड़ी चलाओ, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी अब नेक्स्ट स्टॉक की ओर आ जाएं तो और भी आपको वहाँ आगे की ओर जिप्सीज देखने को मिलेंगी, तो चलें वहाँ पे। तो गाइज एक और चीज़ यहाँ पे मेरे को देखने को जो मिल रही है कि टायर्स वगैरह भी आपको काफ़ी सारे यहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये टायर्स अगेन आर्मी की गाड़ियों के ही सब रहेंगे, ट्रक्स के रहते हैं। ठीक है ठीक है, जितने भी आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा है, इनफैक्ट ये ट्रैक्टर भी आर्मी का ही है। ओके, आर्मी ऑप्शन ट्रैक्टर है, यहाँ पे रजिस्टर्ड है। ठीक, मतलब हर चीज़ हमारे पास आर्मी की व्हीकल्स का ही काम है, आर्मी के आप कोई कहो जैसे जीप चाहिए, ट्रॉली चाहिए, ट्रक चाहिए, JCB चाहिए, आर्मी की कोई भी गाड़ी आपको, रशियन जो आती है, टाटरा क्रास कुछ भी चाहिए, वो सब हमारे पास अवेलेबल है। ओके ओके, तो बाकी गाइज आप यहाँ पे ट्रॉलीज वगैरह भी रहती हैं? हाँ जो जी, वो जी, आर्मी की छोटी ट्रॉलीज आती थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट जिप्सी की ओर, तो यहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हो, अगेन काफी अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाएगी, बाकी थोड़ा बहुत काम तो होता ही है जिप्सी में जब आप लेते हो। तो ये कौन सा मॉडल की है? 2008 मॉडल है। ठीक है, इसकी आस्किंग हमारी है जी 250। हाँ जी। ओके, इसकी भी लाइफ अभी है? इसकी भी लाइफ 2037 तक है। वो इसकी भी रजिस्ट्रेशन हो रखी है, मतलब कोई भी आए भाई हमारा आए उसको रजिस्ट्रेशन का या लाइफ का वो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमने मतलब कस्टमर को देना है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अगर आप तक कोई रीच करना चाहता है तो उसका क्या क्या सिस्टम रहेगा? कॉन्टैक्ट या एड्रेस दोनों एक बार बता दें। जी हमारा यहाँ पे आपका कहीं से भी आए, अमृतसर से आए या जम्मू से आए या दिल्ली साइड से आए, कहीं पे भी, मलकपुर चौक है, मलकपुर चौक के बिल्कुल पास में ही हमारा, कोई ज्यादा दूर नहीं है। बाकी मेरा नंबर तो आपके पास है ही है। ओके, तो बाकी आप एक बार फिर भी बता दो अपना। हाँ जी, मेरा नंबर 9646987987 है। ठीक है, इस नंबर पे आप जब मर्जी कांटेक्ट कर सकते हैं, गाड़ी हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है। एंड अगर आपको थोड़ा और इजी बता दूं तो आप किसी से भी यहाँ पे पठानकोट में आके पूछ सकते हो कि कोली गोदाम कहाँ पे है, वो आपको आसानी से बता देंगे। तो बाकी जिप्सी अगेन बहुत ही अच्छी कंडीशन में यहाँ पे आपको मिल जाती है। एंड अगर जम्मू से कोई स्पेशली आता है यहाँ पे, थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो रहेगा ही। बिल्कुल रहेगा जी, आपका नाम लेगा तो फिर पक्का ही डिस्काउंट देंगे। ओके ओके, सो ये अगेन काफी अच्छी बात होगी है। जिप्सी का स्टॉक अगेन यहाँ पे चेंज होता रहता है, ये बिकेगी फिर आ जाएंगी या और बिकेंगी फिर आ जाएंगी, तो ऐसा डे बाई डे जो है चलता रहता है सिस्टम। अब नेक्स्ट हम आ जाए तो यहाँ पे आपको जो है ये कौन सी मिलेगी जीप, M40 या M550? तो अगेन ऑफ रोडिंग के लिए ये भी एक काफ़ी टफ ऑफ रोडर मानी जाती है, तो अगेन इसकी भी काफ़ी डिमांड रहती है। थार के बाद जो है यही एक गाड़ी सबसे ज़्यादा जो है चलती है ऑफ रोडिंग के लिए, तो इसके बारे में थोड़ी बताइए डिटेल्स। ये जी जीप है, मतलब थार इसी के बेस पे ही बनी है, इसी के डिज़ाइन पे ही बनी है, बाकी ये सॉलिड गाड़ी है, डीजल गाड़ी है। ठीक है, इसकी भी रजिस्ट्रेशन हो रखी है, कोई दिक्कत वाली काम नहीं। आप बाकी इस पे इंटीरियर वगैरह जो भी है वो तो आपको हर गाड़ी का करवाना पड़ेगा, जो मैकेनिकल होगा वो हमारी तरफ से कंप्लीट रहता है। तो इंजन वगैरह इसमें स्वैप रहेंगे या ओरिजिनल जो आते हैं? जो आता है जी ओरिजिनल ही आता है, हम कुछ स्वैप कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते, जो आर्मी की जेन्युइन चीज होती है हम वही सेल करते हैं। मॉडिफिकेशन वगैरह कस्टमर की अपनी प्रेफरेंस है, वो कहाँ से करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, किस बजट में करवाते हैं। ओके ओके, हमारे से आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज मिलेगी, जो आर्मी जैसी आर्मी से आती है वैसी मिलेगी आपको। एंड ये किस मॉडल की रहेगी? ये है जी 2006 मॉडल है। 2006? हाँ जी, तो लाइफ तो फिर इसकी भी बची हुई है अभी। तो 2037 इसकी भी 2037 तक है जी। अच्छा, सबकी 37 तक है? सबकी 15 साल की पासिंग है, 2037 तक सभी गाड़ियों की लाइफ है। क्या बात है क्या बात है। एंड इसकी क्या आस्किंग रखते हो? इसकी जी 240 है। 240? हाँ जी, हाँ जी। अगेन गाइज यार आप अगर इस पूरी को चेक करोगे ना, बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको यहाँ मिल रही है, इवन की टायर्स की जो यहाँ पे आपको ग्रिप है वो भी अभी काफी अच्छी यहाँ पे मिल जाती है। एंड गाड़ी में यार बस थोड़ा सा इंटीरियर साफ करवाने की ज़रूरत है, बाकी गाड़ी को आप ऐसे ही चला सकते हो, बहुत ही अच्छी यहाँ पे कंडीशन में रहने वाली है। एंड हर एक चीज़ इसमें लगी हुई है, हर एक चीज़ आर्मी की गाड़ी है, और आर्मी की गाड़ी में बनाया इस तरीके से जाता है कि कहीं पे भी वो फंसे तो आसानी से निकल सके। तो ये आप बाकी चेक कर सकते हो, एंड अगेन काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी इंजन और इंटीरियर भी एक बार मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। तो गाइज़ ये फिलहाल मैं यहाँ पे आपको चेक करवा रहा हूँ MM550 का यहाँ पे इंजन। तो ये है फिलहाल यहाँ पे पीजो इंजन, प्रॉपर 4x4 के साथ आएगा, एंड कंडीशन आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हो अच्छे से, बहुत ही अच्छी नीट एंड क्लीन कंडीशन में यहाँ पे मिल जाता है। और एक बार अगर मैं आपको इसका इंटीरियर भी यहाँ पे चेक करवाऊँ
तो ये कुछ आप यहाँ पे इंटीरियर चेक कर सकते हो, बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ पे रहने वाला है। 4x4 का प्रॉपर गियर वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड ये आप पूरा अच्छे से चेक कर सकते हो। बाकी सीट्स वगैरह भी सब इसमें लगी हुई हैं, ऑल ओरिजिनल। एंड पीछे भी अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो ये आप पूरा अच्छे से यहाँ चेक कर सकते हो। अगेन, किसी के पास अगर थार लेने के पैसे नहीं है तो वो जो है इसे तैयार करवा सकता है। तो थार और इसमें कोई भी जो है यहाँ पे मेजर आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले ये आई थी, इसके बाद ही जो है थार आई है, तो सेम ही प्लेटफॉर्म में लगभग कोई डिफरेंट नहीं आपको मिलता है। तो ये था फिलहाल 2006 की यहाँ पे MM550 जो कि जिसकी आस कर रहे हैं ये 2.5 लाख। तो अगेन काफ़ी बढ़िया, बाकी डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे अगर आप जम्मू से या कहीं से भी स्पेशली आते हो ये लेने के लिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट चीज़ की ओर बढ़ते हैं। तो जम्मू में ट्रॉलीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, पंजाब में तो लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रॉलीज़ को अपनी बलेरो के पीछे या स्कॉर्पियो के पीछे, बट जम्मू में भी ट्रॉली की काफ़ी डिमांड रहती है, तो वो भी एक बार दिखा देते हैं। सो ट्रॉली की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो, थोड़े छोटे साइज में यहाँ पे आपको ट्रॉली मिल जाती है प्रॉपर। ओके, जीप ट्रॉली, जीप ट्रॉली है बेसिकली, जीप जिप्सी के टो करने के लिए बहुत बढ़िया है। आर्मी की ट्रॉली है, इसका ब्रेकिंग सिस्टम लगा रहता है। ओके ओके, मतलब कोई भी जैसे कहीं रैली में जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं ऑफ रोडिंग में जाते हैं, तो मतलब बाकी जो ट्रॉलीज होती हैं वो पुश करती हैं आगे, मतलब गाड़ी को आगे धकेल देती हैं। ये जो आर्मी की ट्रॉली होती है ये धकेलती नहीं है, ये जहाँ गाड़ी रुकती है वहीं उनकी ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, वहीं रुक जाती है। एंड प्रॉपर इसमें आपको जो है यहाँ पे कमानियों वाला सस्पेंशन मिल जाता है, तो लोड भी अगर आप डालोगे तो तब भी काफ़ी अच्छा है और जंप्स भी ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल जैसे आपकी पूरा मैकेनिज्म वगैरह इस ट्रॉली में यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में यहाँ पे मिल रही है। टायर्स वगैरह अगेन आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे न्यू ही आपको मिल जाते हैं, नेक्स्ट टू न्यू। बाकी थोड़ा बहुत काम तो रहता ही है यार, जो भी आप चीज लोगे। तो इसकी क्या डिमांड वगैरह रहती है? न्यू टायर्स के साथ हम दे रहे हैं 45,000 की, और टायर्स के साथ जो आर्मी के जाते हैं जी जी वो 40,000 की। एक्चुअली हमने खुद डालने हैं, कई कस्टमर डिमांड करते हैं कि हमने पुराने टायर नहीं डालने, हम दूर से आए होते हैं, नए टायर कहाँ से लाए। उनकी हरासमेंट थोड़ी बचाने के लिए हमारे पास न्यू टायर्स अवेलेबल है, हम न्यू टायर्स डाल देते हैं। तो अगेन ये आप लोगों के लिए काफ़ी एक बेनिफिशियल चीज़ है। तो ये वाले टायर्स आपको कहीं और से आसानी से मिलेंगे नहीं, तो यहीं पे आप जो है इनसे आसानी से यहाँ पे डलवा सकते हो, और काफ़ी अच्छा स्टॉक है इन टायर्स का इनके पास। तो विलीज़ के लिए भी यही सेम टायर यूज़ होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो अगेन काफ़ी बढ़िया है। बाकी ट्रॉली को आप एक बार यहाँ से मैं अंदर की स्पेस भी इसमें कैपेसिटी चेक करवा देता हूँ, तो ये आप पूरा यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो कैंपिंग वगैरह के लिए आप अच्छा खासा यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जब ऑफ रोड एडवेंचर्स के लिए जाते हो, तो बढ़िया है। बाकी यहाँ पे भी एक पीछे की ओर आपको ट्रॉली देखने को मिल जाएगी, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी इसको तो तैयार करवाना पड़ेगा आपको, तो ये भी सेल के लिए, ये भी सेल के लिए ये तैयार ही है। इसमें एक्चुअली हमने टायर्स नहीं फिट किए बस। ओके ओके, बाकी रेडी है, टायर फिट होंगे तो ये भी रेडी है। कोई वैसे इसकी भी प्राइसिंग सेम ही है, रहेगी सेम। ठीक है जी। तो गाइज ये था कंप्लीट स्टॉक यहाँ पे आर्मी एक्स ऑक्शन जिप्सीज ट्रॉलीज होगी, या आर्मी का कोई भी सामान अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ पे गाड़ी के रिलेटेड आपको मिल सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो वगैरह पसंद आई होगी। तो बाकी थैंक्स टू शिवम भैया जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। बाकी चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड जो भी स्पेशली जम्मू से आएगा उसको स्पेशल प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी शिवम भैया द्वारा। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू टुमारो।